Hey guys, what's up? This is Amir Aslam here. Guys, now I am going to discuss synonyms. है ना? Synonyms बारे में मैं आपसे आज discuss करने जा रहा हूँ. इससे पहले भी एक वीडियो में आपको synonyms मैं आपको दे चुका हूँ और आप भी जान रहे हैं कि synonyms आपके लिए कितना जरूरी है ना? Synonyms का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं अच्छे से. मैं पहले वीडियो में बता चुका था, हिंदी अगर बोले तो कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं ना, या फिर मिलता जुलता वर्ड कह सकते हैं, कुछ से मिलता जुलता जो वर्ड है हम वो कह सकते हैं synonyms में. और देखिए, ठीक है, यही वजह कि आप ये आपके एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में आपसे ये पूछता है ना. और आप एक चीज देखिएगा, एग्जाम एग्जाम में आपको करता है क्या है कि चार ऑप्शंस जो होते हैं वो पूछते हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है क्या है कि जो आपका जो क्वेश्चन जो पूछ दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जो चार ऑप्शन जो आपके दिए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है. क्या लगेगा? चारों ऑप्शन सही है. क्यों? क्योंकि चारों का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो लगभग इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे एग्जाम में, तो वहां पर आपको लिखता है कि बेस्ट एक्सप्रेसेस, है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है वो सटीक दे रहा हो, जो सबसे ज्यादा उसके करीब हो, जो सबसे ज्यादा उसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो, है ना, वो आपसे आंसर मांग रहा है कि क्या होना चाहिए. ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे. और फिर एक मैं बताऊं कि एक तो कि सिरोनिम जो आपका पूछ रहा है, तो वेकाबुलरी का जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के तो दो ही पिलर है ना, एक वेकाबुलरी और एक दूसरा आपका सेक्शन ग्रामर का सेक्शन है ना. बाकी एक जो सेक्शन जो आ जाता है आपका पैसेज कंप्रिहेंशन, जिसको आप बोलते हैं पैसेज जो सेक्शन है, साहब उसको भी समझने के लिए आपके पास ग्रामर और वेकेबुलरी का नॉलेज होना चाहिए. अगर वो नहीं, तो फिर आप उस सेक्शन में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, पेपर मैगजीन वगैरह भी आप नहीं समझ पाएंगे, तो करना जरूरी है. दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक तो जो आपका जो क्वेश्चन होगा, एक तो वो वर्ड, ठीक है, उसमें जो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, मैं आपको उन चारों ऑप्शन के बारे में बताता चलूंगा. क्या करूंगा? चारों ऑप्शन के बारे में बताता चलूंगा. ऐसा क्यों? इसलिए साहब, सिर्फ आंसर बता के अगर मैं आगे बढ़ गया, तो फिर क्या होगा कि उसके जो तीन जो ऑप्शन के जो तीन और भी वर्ड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या होगा. देखिए, अक्सर एग्जाम में ये करता है कि जो आपका सपोज यहां जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं उसके चार ऑप्शन होंगे, कभी कभी एग्जाम में ये करता है कि उसी ऑप्शन से जो चार या जो ऑप्शन होते हैं उसी ऑप्शन में से एक उठाएगा वर्ड और उसका आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकता है. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ सकता है. दैट्स व्हाई आपको सब वर्ड मैं आपको कराता चलूंगा, सारे वर्ड की जानकारी आपको मैं देता चलूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है. ठीक है ना, आपको मैं बता चलूंगा. ठीक है, ताकि आपको कहीं भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में वो वर्ड को जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसको रिपीट करे, या ऑप्शंस में से कोई वर्ड आपको उठाकर पूछ दे, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, आप वहां पर आप एक अच्छा से कर सके. या फिर आप पेपर या पैसेज या कुछ और मैगजीन्स वगैरह पढ़े, तो आपको वहां भी समझने में आसानी हो, जो वर्ड आप जानकारी में आपके रहे, आप उस जब पढ़े रहे हैं. तो चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं. तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. ये लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है. जैसा कि देखिए, आप कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस. मैंने पहले ही आपको दिया था कि वो एक बेस्ट एक्सप्रेसेस कहता है. वो इसलिए ऐसा कहता है कि हो सकता है कभी कभी जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे ना, वो चारों सही हो, तो उसमें से बेस्ट कौन है, यह आपको पूछता है. दूसरी बात, एक चीज आप याद ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन लिखे, जैसे आप भी आपका इसने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि ट्रांजेंट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपका इजी होगा, ठीक है, और ऑप्शन टफ होंगे. ठीक है, जो क्वेश्चन जो वर्ड पूछेगा वो इजी होगा और ऑप्शन टफ हो जाएंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे टफ पूछ देगा और ऑप्शन आपके इजी हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या है, क्या करना है कि अपन को वर्ड की जानकारी होनी चाहिए. दोनों कंडीशन से तभी हम निकल पाएंगे जब हमें वर्ड की जानकारी होगी, जब हम सारे वर्ड को जान रहे होंगे तभी हम समझ पाएंगे, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता है ना. तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला वर्ड है बोलता है कि ट्रांजिएंट, और इसका मतलब पूछता है कि सिनोनिम्स क्या हो सकता है ना. ट्रांजिएंट का परमानेंट हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, प्रोविजनल हो सकता है, या ट्रांजिटरी हो सकता है. तो भाई इसका सही ऑप्शन जानने के लिए, जब वर्ड को हम जानेंगे तभी इसका हम सही आंसर पे जंप कर पाएंगे कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है. तो आइए ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड आप जो देख रहे हैं ट्रांजिएंट, इसका मतलब होता क्या है. है ना, ट्रांजिएंट का मतलब होता क्या है. देखिए, ट्रांजिएंट का मतलब होता है, कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, है ना, है ना, या टेम्पररी,
टेम्पोररी, बोले तो अस्थाई या क्षणिक, जैसे हम लोग छंग भंगुर भी कहते हैं. क्या होता है? अस्थाई या क्षणिक या छंग भंगुर, है ना, कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज अ टेम्पोररी. जो हो क्या हो, जो कि एक टेम्पोररी है, अस्थाई हो, अस्थाई क्षणिक, या फिर क्या होता है, छंग भंगुर. तो चलिए ये तो आप इसका मतलब जान गए, लेकिन साहब अब जब तक ये चार वर्ड का आप मतलब नहीं जानेंगे, आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना. तो अब एक चीज तो आप देख रहे हैं कि कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं, जैसे कि टेम्पररी, टेम्पररी है, ठीक है ना, क्षणिक है, अस्थायी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि परमानेंट नहीं हो सकता है, अनसर्टेन भी लगभग नहीं होगा, ठीक है ना, प्रोविजनल है या ट्रांजिटरी है, ये होगा कि नहीं होगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, डेट में आपको वर्ड को जानना जरूरी है. तो आइए इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूं. सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांजिटरी. जो आपका ट्रांजिटरी का मतलब होता है वही आपका ट्रांजिट का भी मतलब होगा. क्लियर है? दोनों का मतलब जान लीजिए, ठीक है. ट्रांजिटरी का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बोले तो टेम्पररी, ठीक है. अब आइए देखते हैं कि परमानेंट क्या है, है ना, प्रोविजनल क्या है, अनसर्टेन क्या है, इसको जान लीजिए, है ना. इसको इरेज कर लिखता हूं, देखिए परमानेंट को जानिए. परमानेंट किसे कहते हैं? लगभग आपको मालूम होगा कि परमानेंट वर्ड, परमानेंट क्या है, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत जेन्युइन वर्ड है, वो लगभग हर को मालूम होता है क्या होता नहीं होता, फिर भी मैं लिख देता हूं. परमानेंट का मतलब क्या होगा? कहता है कि लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब क्या होगा? अस्थाई. क्या होगा इसका मतलब? अस्थाई, है ना. किसका मतलब? परमानेंट का मतलब. अब एक वर्ड जो आप देख रहे हैं अनसर्टेन, है ना, अनसर्टेन जो वर्ड है, क्या होगा इसका मतलब? जो अनसर्टेन जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? नॉट Not definitely fixed, है ना, उसी को नाम करते हैं अनसर्टेन, उसी को बोलते हैं ना जो कि अनिश्चित हो, है ना, जो कि सर्टेन नहीं हो, है ना, कि नॉट डेफिनेटली फिक्स्ड, तो सर्टेन नहीं हो, डेट इज अनसर्टेन, बोले तो अनिश्चित. क्या होगा? अनिश्चित, ठीक है. तो अनसर्टेन मैंने आपको बता दिया. अब एक वर्ड आपको क्या है कि प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब भी आप जानते हैं, क्या होता है प्रोविजनल का मतलब? क्या होता है? डेट इज अ टेम्पररी, टेम्पोररी बोले तो अस्थाई या काम चलाओ. क्या होगा? मतलब अस्थाई या काम चलाओ, ठीक है. तो अब आपसे देखिए प्रोविजनल वर्ड जो है इसका अक्सर आपसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछता है आपके एग्जाम में, है ना, ठीक है, वो पूछता है आपसे, तो आप जान गए, आपको इसको याद रखिएगा. परमानेंट आप लगभग जानते ही हैं, या फिर अनसर्टेन आपसे पूछ सकता है कहीं क्वेश्चन में. बाकी जो ट्रांजिटरी याद रखिएगा, ट्रांजिटरी और ट्रांजिट को मैंने सारा वर्ड आपके सामने रख दिया, बता दिया. तो इस तरह से मैं आपके सारे क्वेश्चन को कराता चलूंगा, है ना, इससे बेनिफिट आपको समझ रहे कि क्या होगा, है ना. अगर मैं बता देता कि ट्रांजिट का मतलब देखो ट्रांजिटरी होता है, इसका मतलब भी होता है, फिर आगे बढ़ जाता, फिर परमानेंट अनसर्टेन या प्रोविजनल वर्ड आपसे छूट जाता है कि इसका मतलब क्या होता है. तो सपोज ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमन वर्ड है परमानेंट अनसर्टेन प्रोविजनल, सपोज इसकी जगह कुछ टफ वर्ड होते है ना, फिर अगर उसको छोड़ के आगे बढ़ना जरूरी नहीं, सही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर उस ऑप्शंस में से भी कभी कभी आप वर्ड को क्या करेगा कि ऑप्शंस के वर्ड को उठा के आपसे एज अ क्वेश्चन पूछ देगा, तो जब आपको सारा वर्ड जानना इसलिए जरूरी है ना, तभी आपके अंदर एक अच्छा वोकैबुलरी का खजाना, एक भंडार हो पाएगा, आप एग्जाम में फिर अच्छा कर पाएंगे. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्रेडिबल, क्रेडिबल है, और ऑप्शन क्या है? चार्मिंग, सीरियस, ठीक है ना, उसके बाद क्या कहता है? बिलीवेबल एंड इट इज अ वर्दी. तो ये चार जो ऑप्शन है इसमें से क्या हो सकता है? तो भाई सबसे पहले जानना होगा क्रेडिबल का मतलब, है ना, क्रेडिबल का मतलब हम जानेंगे तभी हम सही ऑप्शंस कर पाएंगे कि सही ऑप्शंस क्या होगा. वरना अगर आपको लगता है कि सर चार्मिंग तो समझ रहे हैं क्या है, सीरियस भी समझ रहे हैं, बिलीवेबल भी समझ रहे हैं, और वर्दी भी समझ रहे हैं, क्या हो सकता है? थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो वर्दी वर्ड को भी जानेंगे. अगर आप जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े उन्हें वर्दी मतलब क्या होगा ये समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है. लेकिन साहब अगर आप तीनों चारों वर्ड का मतलब जान रहे हैं तो आंसर तो तभी करेंगे ना जब आप क्रेडिबल का ही मतलब जानेंगे, है ना. क्रेडिबल का मतलब नहीं जानेंगे तो भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे. तो देख लीजिए बता देता हूं क्या होता है आपका क्रेडिबल मीन्स. क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब क्या होता है? डैट डैट कैन बी बिलीव्ड, डैट कैन बी बिलीव्ड, बोले तो विश्वसनीय. क्या होगा? विश्वसनीय, ठीक है ना. डैट कैन बी बिलीव, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर यकीन किया जा सके, डेट इज अ विश्वसनीय. अब आप इसका मतलब समझ गए कि डैट कैन बी बिलीव, जिस पर विश्वास किया जा सके, अर्थात विश्वसनीय. अब आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे
हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट इज अ बिलीवेबल, डेट इज अ बिलीवेबल है ना, सही ऑप्शन है। अब एक जो आप देख रहे हैं चार्मिंग है, सीरियस है, वर्दी है, क्या मतलब होता है सब इन सब का है ना, तो सीरियस का मतलब ऑलरेडी जान रहे हैं गंभीर, नहीं सीरियस मतलब क्या होता है बहुत ही गंभीर मामला, डेट इज सीरियस, इसे हम लोग गंभीर कहते हैं, वो एक चीज हो जाता है। अब एक बार जो चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब क्या हो सकता है, डिलाइटफुल है ना, डिलाइट मतलब आनंददायक, डिलाइटफुल चार्मिंग का मतलब क्या होगा, डिलाइटफुल आनंददायक, या फिर जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके है ना, चार्मिंग जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, चार में से ये वर्ड बना है, चार में से है ना, तो क्या हो जाएगा चार्मिंग मतलब डिलाइटफुल आनंददायक, या फिर जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, दैट इज अ चार्मिंग। सीरियस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। अब एक जो वर्ड आप जो देख रहे हैं कि वर्दी, इसका मतलब जान जाइए क्या होगा, देखिए वर्दी का वर्दी जो वर्ड जो आप देख रहे हैं वर्दी है ना, देखिए ये इसका मतलब होगा डिजर्विंग, क्या होगा इसका मतलब डिजर्विंग, डिजर्विंग है ना, मतलब योग्य या लायक, डिजर्विंग आप समझ रहे हैं क्या होता है ना, डेट इज अ वर्दी बोल तो डिजर्विंग मतलब योग्य या लायक है ना, योग्य या लायक, ठीक है सारा वर्ड आप जान गए। अब आपसे सोचो कहीं, अब आपसे कहीं वर्दी ठीक है ना, अगर इसका सिनोनिम पूछ देगा अब वहां पर आप ट्रैप नहीं करेंगे, चार्मिंग का सिनोनिम पूछ देगा आप वहां पर ट्रैप नहीं करेंगे है ना, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, या कभी हो सकता है कि बिलीव एबल आपको सिनोनिम से पूछ दे और उसके ऑप्शंस में डाल दे क्रेडिबल, उल्टा जैसे भी क्रेडिबल और ऑप्शंस में आपका बिलीवेबल हो सकता है, बिलीवेबल आपका क्वेश्चन बना दे और क्रेडिबल आपको ऑप्शंस में डाले है ना, तो चूंकि आप सब वर्ड जब जानेंगे तो फिर आप वहां पर एक बेहतर कर पाएंगे है ना। तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा, ठीक है अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है ऑब्स्ट्रेपेरस, क्या है ऑब्स्ट्रेपेरस ठीक है ना, ऑब्स्ट्रेपेरस क्या होता है, ऑब्स्ट्रेपेरस मतलब है ना अनरूली, लेजी ठीक है ना, ऑकवर्ड, सलेन क्या होता है। अब इसमें से दो वर्ड आप देखिए जो देख रहे हैं ना, ये जो आप जो देख रहे हैं ऑकवर्ड या सलेन जो वर्ड आप देख रहे हैं ठीक है, अनरूली जो वर्ड आप देख रहे हैं आपके एग्जाम में रिपीट करता है, कभी एज अ सिनोनिम्स देगा कभी एज अ एंटोनिम्स देगा ठीक, तो सारे वर्ड को जानना जरूरी है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि ऑब्स्ट्रेपेरस मतलब होता है क्या है, लिखता देता हूं आपको मैं, ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब क्या होता है, नॉइजी एंड डिफिकल्ट, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है ना, बोले तो उपद्रवी या बेकाबू, क्या होता है ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब है ना, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल है ना, उपद्रवी या बेकाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कंट्रोल करना मुश्किल हो है ना उपद्रवी या बेकाबू। और देखिए उसका जो सही आंसर जो हमारा क्या होगा, उसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर वन, बोले तो अनरूली है ना, क्योंकि अनरूली का मतलब भी होता है उपद्रवी है ना, बेलगाम बेकाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उपद्रवी है ना, बेलगाम या बेकाबू, किसका मतलब अनरूली का मतलब भी होगा, ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब भी आप देख रहे हैं कि ये होता है बेलगाम या बेकाबू, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ना। और दूसरे ठीक है, अब एक वर्ड है जो लेजी, लेजी का मतलब ऑलरेडी जान रहे हैं क्या होता है, लेजी मीन्स है ना, बताने की जरूरत है नहीं ना, लेजी सुस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डीज लेजी। हाँ एक वर्ड जो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब जान लीजिए, उसका मतलब जानना जरूरी है चूंकि आपके एग्जाम में पूछता है, वर्ड को सारे वर्ड को जानिए, देखिए ऑकवर्ड वोकैबुलरी और ग्रामर से आप बच नहीं सकते हैं है ना, इंग्लिश लैंग्वेज आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे या पकड़ बना पाएंगे जब ये दोनों चीज आप जान रहे हैं ठीक है। अगर देखिए इतना ही बता है, अगर मैं आगे बढ़ू, अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे ऑकवर्ड तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर कहेंगे हो आमिर सर का वीडियो तो देखे थे, वहां पर ऑप्शन ऑकवर्ड तो उन्होंने बताया नहीं था है ना, वो मुझे फिर वहां याद करेंगे, बेहतर है कि मैं आपको बता दूं तो याद कीजिए है ना, कि सर ने बता दिया था कि ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है। तो ऑकवर्ड का मतलब देखो, एक तो ऑकवर्ड का मतलब होता है क्लमसी, क्या होता है क्लमसी, अब देखिए आपने यहां पर एक नया वर्ड देख लिया क्लमसी ठीक है, एक क्लमसी CLUMSY क्लमसी, इसका मतलब क्या होता है भद्दा, क्लमसी का मतलब क्या होता है भद्दा, तो एक तो ऑकवर्ड का मतलब डायरेक्ट होता है क्लमसी, डेट इज अ भद्दा। देखिए दूसरा एक जो है ऑकवर्ड का मतलब और भी होता है, वो होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल,
difficult to manage, sorry, difficult to manage, difficult to लिख देता हूं मैनेज. तो एक तो ऑकवर्ड का मतलब भी होता है डिफिकल्ट टू मैनेज, और एक ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है क्लमसी. अब सपोज कीजिए कभी ऑकवर्ड का मतलब आप सिनोनिम्स पूछ दिया, क्लमसी उसमें ऑप्शंस आप सही से कर लेंगे, या क्लमसी आपसे पूछ दिया सिनोनिम्स उसका ऑप्शन आपसे मांगा आप तुरंत आप कर लेंगे कि क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर आप पढ़ चुके हैं, है ना. तो दोनों का मतलब क्या होगा, ऑकवर्ड क्लमसी का मतलब क्या होगा, भद्दा. क्या होता है, भद्दा, या फिर डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ठीक है. हाँ, अब एक वर्ड एक देखिए यहां पर है सलेन. सलेन वर्ड भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है साहब. क्यों, बहुत एग्जाम में रिपीट करता है, याद रखिएगा सलेन को. तो सलेन का मतलब होता है ग्लूमी. सलेन का मतलब क्या होगा, ग्लूमी या डल, ग्लूमी या डल, बोले तो मनहूस या उदास या बदमिजाज. सलेन मतलब क्या होगा, है ना, ग्लूमी या डल मतलब उदास, एक उदास भी होगा या फिर मनहूस या बदमिजाज, ये तीनों मतलब होता है आपका सलेन का. ठीक है ना. तो अब सलेन, ग्लूमी या सैड, डल कुछ भी पूछ दे आप उसका सही से ऑप्शन कर लेंगे, इसका सही ऑप्शन क्या होगा. ठीक है. तो लगभग सारा वर्ड मैंने बता दिया, आप ऑप्शन पर से देख लेगा, अनरूली होगा, लेजी आप जानते हो ऑलरेडी. ऑकवर्ड का मतलब मैंने नीचे बता दिया, सलेन का मतलब मैंने आप बता दिया. ठीक है. तो ये सब इस तरह से आप करते चले. अब देखिए आप एक क्वेश्चन को आप कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप कितने वर्ड आप कर रहे हैं, है ना. आपने ऑप्शन को किया, अनरूली किया, लेजी आप जान रहे, ऑकवर्ड किया, सलेन किया. ठीक है ना. आप फिर देखिए एक नया नया वर्ड क्या मिला, यहाँ पर एक ग्लूमी मिला, यहाँ पर आपको क्लमसी मिला. मतलब इस टाइप से फिर आपका एक अंदर जब करेंगे इस तरह सारे वीडियोज को देखेंगे और मेहनत करेंगे, है ना, तो काफी अच्छी वोकैबुलरी कि आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना. ठीक है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है स्कॉर्न. क्या होता है स्कॉर्न. अब देखिए, अब यहां पर आपको एक बात बताऊं कि स्कॉर्न का जो आप जो ऑप्शंस आप यहां पर जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, कंसाइज देख रहे हैं, डिस्पाइज देख रहे हैं, बायस देख रहे हैं, या फिर देख रहे हैं आप जो फिर देख रहे हैं, ये तो आप भी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की हो या कुछ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चारों जो ऑप्शंस हैं ये खुद ऑलरेडी इस तरह के वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये कंसाइज का मतलब क्या होगा, डिस्पाइज मीन्स क्या होता है, बाइस क्या होगा, फिर क्या होगा, या फिर इसके एंटोनिम्स. ठीक है ना. ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये सब वर्ड आपसे पूछे जाते हैं. इसका डेफिनेशन लिख देगा फिर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाएंगे, है ना. तो सारे वर्ड को जानना बेहद जरूरी है. मैं आपको सारा वर्ड बताता हूँ सबका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में सब स्कॉर्न, क्या होता है स्कॉर्न, मतलब स्कॉर्न का मतलब होता है हेट. क्या होता है स्कॉर्न मतलब हेट, बोले तो नफरत करना या घृणा करना. नफरत करना या घृणा करना, किस क्या मतलब, स्कॉर्न मीन्स नफरत करना या होता है घृणा करना, समझ गए. और हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डेट इज अ डिस्पाइस, क्योंकि डिस्पाइस का मतलब भी होता है स्कॉर्न या हेट, नफरत करना या घृणा करना, किसका मतलब भी, डिस्पाइस मीन्स भी. ठीक है. तो अब कभी भी आप क्या कर सकता है कि डिस्पाइस का आपसे सिरोनिम्स अगर पूछ दे तो आप आराम से आप कर लेंगे, चूंकि आप डिस्पाइस का मतलब ऑलरेडी आप जान रहे हैं, है ना. अब अगला देखते हैं. अगला जो वर्ड कहता है कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है उसको देख लीजिए. कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ या फिर एब्रीज. या एब्रीज बोले तो संक्षिप्त. क्या होता है ब्रीफ या एब्रीज, किसका मतलब, कंसाइज मतलब, मतलब संक्षिप्त, जिसे हम लोग कहते हैं छोटा रूप में लिखना है ना, संक्षिप्त, है ना, डेट इज अ कंसाइज. अब एक वर्ड आप यहां पर देख रहे हो क्या है साहब, बायस है. बायस का मतलब क्या होता है, सो लिख देता हूं, क्योंकि सारे वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, है ना. प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है, प्रीडिस्पोजिशन या प्रेजुडाइस, या प्रेजुडाइस, है ना. तो याद रखिएगा दोनों वर्ड मैंने आपको लिख दिया है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, पक्षपात या एक तरफा झुकाओ. बायस का मतलब क्या होगा, बायस का मतलब प्रीडिस्पोजिशन या प्रेजुडाइस, है ना, मतलब क्या होता है, पक्षपात या एक तरफा झुकाओ. अब कभी आपसे अगर बायस का मतलब पूछेगा आप आराम से समझ जाएंगे क्या, और आप उसका सही आंसर कर पाएंगे. दूसरा आपको नया वर्ड क्या यहां पर मिल गया, क्या मिला आपका, प्रीडिस्पोजिशन मिला और आपको प्रेजुडाइस मिला. तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बायस, मतलब पक्षपात या एक तरफा झुकाओ. ठीक है. कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं आपको एग्जाम में. देखिए अगला एक जो वर्ड यहां पर, जो फिर से वर्ड जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है देख लेती.
वायलेंट एंड एंग्री, मतलब भयंकर या घमासान। क्या होता है फेरस? मतलब वायलेंट एंड एंग्री, मतलब भयंकर या घमासान। देखिए इसका मतलब भीषण या प्रचंड भी होता है। इसका क्या मतलब होता है? भीषण या प्रचंड भी इसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड को, आप सारे वर्ड को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है एब्ज्योर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एब्ज्योर। क्या होता है एब्ज्योर का मतलब, इसको जानिए। ऑप्शंस हमारा क्या ऑप्शंस है? रिनाउंस, अनाउंस, प्रनाउंस एंड डिनाउंस, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर जानने के लिए है ना, पहले एब्ज्योर का मतलब देखते हैं क्या, उसके बाद देखेंगे रिनाउंस क्या, अनाउंस किया, फिर देखेंगे प्रनाउंस किया, डिनाउंस किया है। पहले हम देख लेते हैं कि उसको एब्ज्योर को, है ना। तो लिखता हूं, देखिए एब्जोर के, ऑब्जोर का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस टू गिव अप, प्रॉमिस टू गिव अप अ बिलीफ, ठीक है, और अ राइट, और अ राइट, है ना। बोले तो त्यागना या छोड़ना। क्या मतलब होता है एब्जोर? मतलब टू प्रोमिस टू गिव अप अ बिलीफ और राइट, त्यागना या छोड़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एब्ज्योर मतलब त्यागना, या हिंदी में क्या बोल सकते उसको, त्यागना या छोड़ना। और हमारा इसका ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हमारा होगा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ना। रिनाउंस का मतलब भी होता है कि प्रोमिस टू गिव अप बिलीफ और राइट, क्लियर है। तो रिनाउंस का मतलब क्या हो जाएगा? त्यागना या छोड़ना, ठीक है। अब एक वर्ड है सब अनाउंस है, ठीक है, प्रोनाउंस है, एक डिनाउंस है। इसका मतलब देख लेते हैं, चूंकि अनाउंस प्रोनाउंस डिनाउंस, अनाउंस और डिनाउंस, प्रोनाउंस को छोड़ भी दे तो अनाउंस और डिनाउंस तो आपके एग्जाम में रिपीट करेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं पहला हमारा वर्ड क्या, अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होता है? सो देखिए अनाउंस का मतलब होता है मेक नोन पब्लिकली, मेक नोन पब्लिकली मतलब घोषणा करना। क्या होता है? मेक नोन पब्लिकली, किसका मतलब? अनाउंस मतलब मेक नोन पब्लिकली, बोले तो घोषणा करना, घोषणा करना, ठीक है ना, ऐलान करना, घोषणा करना। ये जो वर्ड आप जो देख रहे हैं क्या है? प्रोनाउंस। इसका मतलब क्या होता है? से सोलेमनली, से सोलेमनली बोले तो कहना या विचार व्यक्त करना। क्या होता है? कहना या विचार व्यक्त करना, ठीक है। अब किसका मतलब? प्रोनाउंस मतलब से सोलेमनली, कहना या अपना विचार को व्यक्त करना, अपनी राय को बताना। आगे जो वर्ड है डिनाउंस, याद रखिएगा डिनाउंस को अच्छे से, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको पूछते रहता है। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, है ना, बोले तो आलोचना करना या निंदा करना, है ना, ठीक है। प्रोमिस टू, सॉरी कहां थे, हाँ डिनाउंस, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, तो क्या होगा डिनाउंस का मतलब? आलोचना करना या फिर निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना या फिर निंदा करना। तो आपने देख लिया कि एब्ज्योर का मतलब भी आपने देख लिया, क्या होता है एब्ज्योर, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, डिजर्व रिनाउंस। तो एब्जोर और रिनाउंस को आप याद रखिएगा, त्यागना या छोड़ देना। अनाउंस का मतलब आपने देख लिया है कि मेक नोन पब्लिकली, मतलब घोषणा करना, ऐलान करना। प्रोनाउंस का मतलब भी आपने देख लिया, से सोलेमनली कहना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताया ना आपको, ठीक है, या फिर और क्या बताया? कहना या फिर अपने विचार को प्रकट करना या फिर अपनी राय बताना। डिनाउंस का मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, निंदा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? किसी की आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है। आइए अगला वर्ड देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है इलास्टिक। क्या वर्ड है हमारा? इलास्टिक। तो क्या होता है इस इलास्टिक का मतलब, इसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, फ्री है, लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, ब्रॉड है, ठीक है। तो इलास्टिक का मतलब क्या है जानिए, ठीक है ना। ये एक एक वर्ड आप करते चलिए, ठीक है ना, यही आपकी लाइफ को बनाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज पर ग्रिप होने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पर आपको ग्रिप करने के लिए आपको वोकैबुलरी का होना बेहद जरूरी है, इसके बगैर आप हिल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या है आपका इलास्टिक? तो क्या होता है इलास्टिक का मतलब, उसको देख लीजिए। इलास्टिक का मतलब कहता है कैपेबल ऑफ capable of
capable of returning to its original shape, original shape after being expanded. After being expanded, बोले तो लचीला, इलास्टिक का हिंदी में क्या कह सकते हैं एक लफ्ज में लचीला, इलास्टिक मतलब लचीला, वही कहता है कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग एक्सपेंडेड, कि उसको फैला भी दे उसके बाद फिर वो जो है अपने शेप में आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ लचीला, ठीक है ना। तो अब इसका हमारा सही जो आंसर होगा वो हमारा सही आंसर है आपका फ्लेक्सिबल, क्या है फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब भी लचीला होता है ना, फ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या होगा, लचीला होगा। तो याद रखिएगा इसे, इसे यहां पर भी इलास्टिक पुश का आपको फ्लेक्सिबल दिया, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबल आपको क्वेश्चन बना के दिया है और आपसे पूछता है कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा, आपसे क्या पूछा है कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो जब आप जान रहे हैं तो फिर आप वहां पे कर लेंगे, फ्री, फ्री का मतलब तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं। फिर हाँ, यहां पर एक जो वर्ड है वो देखिए, आपका जो वर्ड यहाँ पर जो आप देख रहे हो लिबरल है ना, ये आपको बार बार पूछता है, लिबरल का जानना बहुत जरूरी, चूंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स में ये आपको पूछता है, इवन फॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस में भी आपसे पूछेगा। तो लिबरल का मतलब जानिए क्या होता है, जेनरस है ना, या फिर ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, जेनरस या ब्रॉड माइंड मतलब उदार या दयालु, क्या होता है मतलब उदार या दयालु, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिबरल मतलब जेनरस या ब्रॉड माइंडेड, उदार या दयालु। और ये जान लीजिए कभी कभी आपको एग्जाम में लिबरल का मतलब पूछेगा या कभी कभी आपको जेनरस का मतलब पूछेगा, क्या हो सकता है, तो लिबरल वर्ड तो हम याद ही कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है ये वर्ड, है ना। फिर अगला वर्ड जो आप देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब क्या होगा, इट इज अ वाइट, सिंपल सा वर्ड है वाइट, ब्रॉड मतलब वाइट बोले तो चौड़ा, क्या होता है चौड़ा, ठीक है। तो आप देख ले, इलास्टिक देख लिया, फ्री देख लिया, लिबरल देख लिया, फ्लेक्सिबल एंड दी ब्रॉड, ठीक है ना। और आपने देखा कि लिबरल में आपको एक नया वर्ड क्या मिला, एक वर्ड मिला जेनरल, आपको एक ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। तो लिबरल वर्ड आपके एग्जाम में साहब बहुत पूछता है, ठीक है। तो सारे वर्ड को आप इस तरह से करते चले, ठीक है। तो 100 में आपको करा दूंगा, अगर 100 भी अगर मैंने आपको करा दिया एक अच्छा ग्रीप आपका बन जाएगा। फिर इसी तरह 100 अगर मैं एंटोनिम्स करा दूं, फिर उसमें के सारे ऑप्शंस को करा दूं, फिर इसी तरह 100 में आपको कराऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके सारे ऑप्शन को मैं आपको करा दूंगा, फिर सोचिए आपके पास वोकैबुलरी का कितना बड़ा खजाना आपके अंदर आ जाएगा, है ना। फिर मैं 100, फिर मैं लास्ट में फिर मैं क्या करूंगा आपका फ्रेंच, क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूछता है। आइए अगला देखते हैं, देखिए अगला हमारा वर्ड है इनसेन, क्या है इनसेन, ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, ठीक है ना। इनसेन जो हमारा वर्ड है, फिर ऑप्शन में हमारा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट कॉर्डिस है, फुलिश है, मैड है, फनी है, क्या होगा। तो आप जान रहे हैं फुलिश मैड फनी सब वर्ड आपका सुना सुना ऐसा है, लेकिन इनसेन का मतलब जानेंगे तभी उसको समझ में आएगा कि फिर इन सब का मतलब क्या होता है। तो देखिए एक छोटा सा वर्ड है इनसेन मतलब क्या होता है, लिख देता हूं, देखिए इनसेन, देखिए इनसेन किसे कहते हैं, क्या होता है, नॉट ऑफ साउंड माइंड, नॉट ऑफ साउंड माइंड बोले तो पागल, क्या होगा पागल, समझ में आ रहा है इनसेन का मतलब क्या हो सकता है, होगा पागल, है ना, नॉट ऑफ साउंड माइंड। अब आप जैसे ही समझ गए कि नॉट ऑफ साउंड माइंड बोले तो इनसेन मतलब पागल, आप सीधे आंसर करेंगे कि सर आंसर होगा हमारा थर्ड, और बिल्कुल सही है, आंसर होगा हमारा थर्ड, ठीक है। और आपको मैं बताऊं एक मजे की बात कि इनसेन का कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन क्या किया है, फुलिश, क्या ऑप्शन दिया है, फुलिश। तो जो फुलिश दिया है वो सही ही दे रहे होंगे वो अपने हिसाब से, समझ में आ रहा है कि नहीं, चूंकि इनसेन का मतलब होता है पागल और फुलिश का मतलब ऑलरेडी जान रहे क्या होता है, जिन्होंने फुलिश किया आंसर वो खुद समझ रहे हैं कि वो अपने हिसाब से वो सही दे रहे होंगे, है ना, चूंकि फुलिश ही एक आंसर दे सकता है इसका, ठीक है। लेकिन इनसेन का मतलब क्या होगा, हमारा पागल। अब एक वर्ड जो आप देख रहे हैं साहब कॉर्डिस है, इसका मतलब जान लीजिए, कॉर्डिस का मतलब क्या होता है, लिख देता हूं, फीलिंग्स ऑफ अ कावर्ड बोले तो कायरता, क्या होगा हिंदी, कायरता, है ना। कावर्ड का मतलब आप ऑलरेडी जान रहे हैं क्या होता है, कायरता। तो याद रखिएगा कॉवर्डिस का मतलब चूंकि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक वर्ड जो आप देख रहे हो कि फनी,
फनी मतलब मजे किया, आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। फनी मतलब क्या होगा, मजे किया, है ना। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं साहब फुलिश, तो आप रिपीट कीजिए इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था, इसका ऑप्शन मैंने आपको दिया था, ये फुलिश भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपको अक्सर आपको फुलिश वगैरह आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये सब ध्यान में रखना है, सारे वर्ड को आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। आइए, हाँ एक चीज और बता देता हूं, ये जो आप देख रहे हो वर्ड इनसेन, क्या है यहां पर, इनसेन मतलब आपने देखा क्या होता है, पागल, है ना। तो एक वर्ड है सेन, SANE, क्या है आपका, सेन, ठीक है। देखिए सेन का मतलब होता है समझदार, सेन का मतलब क्या होता है, समझदार, बुद्धि वाला, अकल वाला, और इनसेन का मतलब उसका उल्टा होता है, दैट इज अ पागल। तो सेन और इनसेन आप दोनों याद रखेंगे, है ना, इनसेन याद रखेंगे, सेन खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। यही अगला वर्ड देखते हैं, ठीक है। अगला वर्ड हमारा कहता है कि फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड, अब इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन दे रहा है कि एडमायर्ड है, एडोर्ड है, इनकरेज है, या फिर कंग्रेचुलेटेड है, क्या हो सकता है। तो पहले आइए जानते हैं, है ना, फेलिसिटेटेड बहुत ही फेमस वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है पहले इसको जानिए। ये जो आप देख रहे हैं वर्ड, जो देख रहे हैं आप फेलिसिटेटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सो लिख देता हूं आपको, कॉन्ग्रेचुलेट, है ना, या कॉन्ग्रेचुलेट या कंप्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट या कंप्लीमेंट अपॉन अ हैप्पी इवेंट, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, बधाई देना, ठीक है। तो फेलिसिटेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट या कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट अपॉन अ हैप्पी इवेंट, दैट इज अ बधाई देना। तो आप तुरंत जंप करेंगे अपने ऑप्शंस पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, बोले तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्लियर है। तो फेलिसिटेटेड का मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसका सही ऑप्शन पे आप आ गए। अब लेकिन साहब जो वर्ड है आपका एडमायर वर्ड है, एडोर्ड है, इनकरेज्ड है, इसका मतलब भी जानिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में एडमायर का मतलब पूछ दे, इनकरेज्ड पूछ दे, ठीक है ना, एडोर्ड पूछ दे, तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इस सब का मतलब क्या होता है। तो अगला वर्ड हम ले लेते हैं हम लोग एडमायर, इसका तो आप समझ गए कि फेलिसिटेटेड का मतलब क्या होगा, कंग्रेचुलेटेड, क्लियर है। तो अब हमारा एक वर्ड में ले लेते हैं, पहला वर्ड हमारा क्या है, एडमायर, ठीक है। एडमायर मतलब क्या है, किसे कहते हैं, तो देख सो देखिए, एडमायर कहता है टू रिगार्ड, टू रिगार्ड विथ प्लीजर, प्लीजर एंड अप्रूवल, प्लीजर एंड अप्रूवल मतलब प्रशंसा करना या फिर अधिक सम्मान देना, नहीं, एडमायर का मतलब टू रिगार्ड विथ प्लीजर एंड अप्रूवल। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होगा, प्रशंसा करना या फिर अधिक सम्मान देना, एक चीज हो गया। अब आइए एक वर्ड जो आप देख रहे हो, वर्ड है आपका एडोर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एडोर, है ना, एडोर का मतलब क्या होता है, टू पे, टू पे डिवाइन ऑनर, टू पे डिवाइन ऑनर या वर्शिप, या आपका हो जाएगा वर्शिप, मतलब क्या होता है, पूजा करना, क्या होता है डोर का मतलब, पूजा करना या बहुत अधिक श्रद्धा रखना, पूजा करना या फिर बहुत अधिक श्रद्धा रखना, ठीक है। अब ये सब वर्ड जो अगर आपको यूज कर रहे पैसेज वगैरह में, फिर आप समझो पेपर वगैरह में, फिर आप समझिए आपको समझने में कितनी आसानी हो जाएगी, है ना। उस तरह एक वर्ड है आपका इनकरेज्ड, जो वर्ड आप देख रहे हैं इनकरेज्ड, तो इनकरेज का मतलब क्या होता है, मतलब उत्साहित करना, हिम्मत देना, बढ़ावा देना, उत्साहित करना, हिम्मत देना, हिम्मत बढ़ाना, या फिर क्या होगा आपका बढ़ावा देना, हिम्मत बढ़ा, उत्साहित करना, दैट इज एनकरेज। तो अब आपने सारा वर्ड को देख लिया, अब आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप एक एक वर्ड को आप याद कर लेंगे, तो चार बार वीडियोस को देखेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, आपका क्या होगा, सारा का सारा वर्ड आपका याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे के सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे, आप उस चीज को याद कर लेंगे, ठीक है। एक रही बात, और इस तरह मैं आपको बहुत सारे वीडियो दूंगा, टोटल वर्ड आप याद करते चलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपको बेनिफिट बता रहा हूं कि ना फिर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे इस तरह पूरा, अगर 100 मैंने आपको सिनोनिम्स करा दिया, 100 एंटोनिम्स, 100
वन वर्ड सब्शन जिक्र करा दिया, फिर वेकाबुलरी का एक ग्रेट भंडार, बहुत बड़ा भंडार आपके पास आ जाएगा और फिर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना। अगर डायरेक्ट मैं बता दूं स्टेप्स करूं, फेलिसिटेट देखो इसका होगा कंग्रेचुलेटेड मतलब बधाई देना, फिर आगे बढ़ जाओ, तो इस ऑप्शन आपके बच्चे रह जाएंगे। अगर यहां से फिर क्वेश्चन अगर उठा के पूछेगा आप ट्रैप कर जाएंगे, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पैसेज ना जाएगा फिर आप वहां पर ट्रैप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है इस तरह से सारे वर्ड पर वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।